ये कहना चाहते हो कि जो हिप रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता? हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में समाज में प्रॉपर जानकारी अवेलेबल नहीं है। कूल्हा प्रत्यारोपण आखिर कराना क्यों पड़ता है? दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका कूल्हा ख़राब हो जाता है, जिसकी कई वजह हो सकती है। या तो आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, या एवियन की वजह से हो सकता है, या टीबी की वजह से हो सकता है। जो एवियन होता है वो दोस्तों हो सकता है अगर आप स्टीरॉयड का सेवन करें, कोविड की वजह से अगर आपको स्टीरॉयड दिए गए हो, या फिर आपने बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉयड लिए हों, या स्किन की कोई बीमारी हो, एलर्जी हो, उसके लिए आपने स्टीरॉयड लिए हों, तो कूल्हे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे में जो सबसे पहला सवाल मुझसे लोग पूछते हैं वो ये कि सर, क्या कोई दवाई या कोई चूर्ण चटनी ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि बिना ऑपरेशन के मैं सही हो जाऊं? तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति लोग जिनके पास इतना पैसा है कि वो मंगल ग्रह से भी जाके चूर्ण चटनी ला सकते हैं, उन लोगों को भी हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है एंडी मरे का, जो कि इंडिया के वर्ल्ड के नंबर वन टेनिस प्लेयर है, और आप सोचिए इतना पैसा कमाते हैं कि वो चाहें अगर उनको पता चल जाए कि कोई दवाई है तो खुद अपना अस्पताल बना के, खुद मेडिकल की अपनी फैक्ट्री डाल के भी दवाई बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी हिप रिप्लेसमेंट कराया है। तो आप चूर्ण चटनी या झाड़ा फूंक, उसके द्वारा हिप का इलाज हो जाएगा, इस मुगालते में मत रहिए। कई बार इसकी वजह से लोगों के लाखों रुपए बेकार भी हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उनको रियलाइज़ होता है कि नवीन शर्मा जी ही सही कह रहे थे, और आखिरकार तो हिप रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। आज मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनका हिप रिप्लेसमेंट मेरे यहाँ सफलतापूर्वक हुआ है। आइए, इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। बिहार में कौन सी जगह रहते हो आप? बिहार में मैं आरा से हूँ। आपको जो कूल्हे की दिक्कत थी वो कैसे शुरू हुई थी? मैं एक गठिया का पहले प्रॉब्लम था, कुछ दिन दवा चलाएं, उसके बाद फिर इलाज करवाएं, जाकर पटना में दिखवाएं तो वो बोले हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो वहीं के डॉक्टर हमको सलाह दिए कि जयपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नवीन कुमार शर्मा, वो सबसे कम दामों में आपका और अच्छा इलाज करेंगे, आप उन्हीं के पास जाइए। तो मैं सर यहाँ पे आया। आपके मन में डर नहीं लगा कि मैं बिहार से इतनी दूर जयपुर जाऊंगा तो रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कतें तो नहीं होंगी, कैसे मैं जाऊंगा? आपके दिमाग में इस तरह के सवाल उठे थे? नहीं सर, पहले तो हमको डर लगा था कि मतलब कि हम जाने आने में असमर्थ होंगे, मगर कैसे भी करके हम यहाँ पर आ गए, और आने के बाद दो चार दिन के बाद ही हमको बहुत सारा रिलीफ मिला और अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑपरेशन थिएटर में? तो दर्द के मारे आपकी चीखें ही निकल गई होगी। नहीं सर, कोई दर्द नहीं हुआ था सर। आप ये कहना चाहते हो कि जो हिप रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता? नहीं सर, कोई दर्द नहीं होता है सर। ऑपरेशन के कितने महीने बाद आपने चलना स्टार्ट कर दिया? सर, दो तीन दिन के बाद ही चलना स्टार्ट कर दिया हम। अब आप आराम से चल पा रहे हो? अगर आपके दर्द पहले 100 था तो अभी कितना दर्द कूल्हे में आपको लग रहा है? अभी सर, पहले 100 था तो अभी 10% है बस। यानी आपको 90% आराम मिल गया है? जी सर। अगर मान लीजिए कोई और भाई लोग हैं जो आरा के, नवादा के, गया के, पटना के हैं, और उनको कूल्हा प्रत्यारोपण कराना है लेकिन गरीब हैं, अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, और बेस्ट टेक्नोलॉजी का भी उनको पता नहीं है, आप क्या मैसेज उनको दोगे? मैं बोलूँगा कि वो लोग यहाँ पर आएँ और एक बार अपना इलाज ज़रूर कराएँ। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है। समाज में कई तरह के मिथ फैलाए जाते हैं कि MIS, PIS, TIS, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेविगेशन, ड्यूअल मोबिलिटी, तरह तरह के शब्द उपयोग किए जाते हैं, और उसके द्वारा बजट बढ़ा दिया जाता है। सिंपल सा, आप मेरे पास आइए, हिप रिप्लेसमेंट कराइए और गारंटी से सही होकर जाइए। आपको अनाप शनाप उसमें पैसा भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है या फिर कूल्हे में दर्द है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, समाज की भलाई के लिए हमने हेल्थ एंड चैट जो वेबसाइट है वो भी चालू करी है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप निःशुल्क मेरे से कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हेल्थ एंड चैट पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।